Yes, friends, good morning. Good morning, sir. Now, please tell me the physical properties of metals. Metals are hard, metals are less stressed, metals are malleable, they can be beaten into thin sheets. Metals are ductile, they can be drawn into wires. Metals are sonorous, produce sound, when etc. Metals are good conductors of heat and electricity. Very good. Very good. तो आप तमाम लोगों को समझ आ गई? Yes sir. Metals are hard. Metals are lustrous. Metals are malleable. Very good. They can be beaten into thin sheets. Very good. Metals are ductile. They can be drawn into wires. Very good. Metals are sonorous. They produce sound when struck. Very good. Metals are good conductor of heat and electricity. Thank you. Great. Dear students, good morning. Good morning, sir. बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Physical properties of metals and non-metals. Very good. Physical properties of metals and non-metals. Yes. तो हमारे पास यहाँ बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है ना? Yes, sir. बच्चे आप देख रहे हैं कि इधर कितनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? Iron. क्या है? Iron. ये मेटल है नॉन मेटल है? मेटल. वेरी गुड. दिस वन इज मेटल. ये क्या है? आयरन. वेरी गुड. ये क्या है? मेटल. मेटल है. शानदार. ये क्या है? प्लेट. प्लेट है. ये मेटल है नॉन मेटल है? मेटल. वेरी गुड. ये क्या है? कोयल. इज दिस मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल. वेरी गुड. दिस इज व्हाट? चार. ये मेटल है नॉन मेटल है? वेरी गुड. अब आपको समझ आ गया कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है? यस सर. कौन सी चीजें मेटल्स होती है और कौन सी नॉन मेटल्स? वेरी गुड. अब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स क्या होती है? हार्ड. सख्त होती है, ठीक है? यस सर. ये देखिए, अगर इसको हम बीट करते हैं तो ये कोई टूटती है? नो. नहीं टूटती है ना? तो व्हेन वी बीट दिस चॉक, ये व्हाट हैपेंस टू दिस? इसका क्या हो गया? पीसेस. ये टूट गया, ठीक है? यस सर. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दिस, मेटल्स आर मेटल सॉरी हार्ड. मेटल्स आर हार्ड. हार्ड ये सख्त होते हैं, ठीक है? यस सर. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, मेटल्स आर लस्टरियस. इनमें क्या होता है? चमक होती है. ये देखिए, ये प्लेट है, चमक रही है ना? यस सर. लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है, कोयला है, इज दिस लस्टियस? नो सर. ये कोई चमक है? नो सर. ये देखिए, हमारा जो चौक है, इसमें कोई चमक है? नो सर. हमारा ये थोड़े का ये हैंडल है, इसमें कोई चमक है? नो सर. तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट मेटल्स आर लस्ट्रियस, इनमें चमक होती है. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट मेटल्स आर मैलेबल. क्या है? मैलेबल. मैलेबल. दिस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. थिन शीट्स. वेरी गुड. ये देखिए, हमारे पास एक कॉपर है, इसको हम क्या करेंगे? अगर ऐसे कुटाई करेंगे इसकी, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? शीट बन जाएगी. समझ आए? यस सर. सेकंड दी दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट मेटल्स आर मैलेबल. मैलेबल. द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. समझ आ गई? यस सर. लेकिन ये तो हमारा नॉन मेटल है, इनकी शीट्स नहीं बनती है, इसके अंदर मैलेबिलिटी नहीं
की है, ठीक है? Yes sir. The fourth property of metal is that metals are ductile. Ductile mean metals can be drawn into wires. इनकी हम क्या बना सकते हैं? Wires. तारे बना सकते हैं. ये देखिए. This one is क्या? Wires. ये वायर है. समझ आए? Yes sir. ये देखिए. ये जो है. ये वायर किसकी बनी हुई है? मेटल की. किसकी? मेटल की. ये देखिए पापा वायर बनी है, ठीक है? जल्दी मैं को बताता हूँ. ये देखिए, this one is wire. ठीक है, the property of metals by which metals can be drawn into wires is called ductility. ठीक है? Yes sir. This one is the fourth property of the metals. और इसके अलावा metals जो होती हैं, metals are the good conductor of electricity. Very good. उसके लिए देखें हम इधर ये करते हैं. ये हमारे पास बल्ब है ना, ये सेल है. yes. इसके साथ ये वायर्स लगी है और ये क्या लगा हुआ है? मेटल लगा हुआ है, ठीक है? yes, sir. तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है, ये इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल को ये लगा हुआ है. और ये देखिए, ये देखो, ये बल्ब ग्लो हो रहा है ना. yes, ये देखिए इसमें आ रही है ना रोशनी. yes, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट हो रही है? थ्रू दिस मेटल, ठीक है? yes, sir. लेकिन अगर इसके पक्ष हम यहाँ रखेंगे चौक, इसके ऊपर अगर हम बल्ब रखेंगे तो ये बल्ब जो है ये ग्लो हो रहा है. no, sir. ये नहीं लग रहा है ना. no, sir. It means that non-metals are bad conductor of electricity. तो इसमें से बिजली पास नहीं होती है, ठीक है? yes, sir. So, this is also the property of the metals that metals are good conductor of heat and electricity. Very good. The another property of metal is that metals produce sound. When we strike metal with any object or anything, it produces ringing tone, ringing sound. होता है ना? Yes, sir. And this property of metal is called sonorous. क्या होता है? Metals are sonorous. ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से आपने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है इनको याद रखना, ठीक है? Yes, sir. समझ आए? Yes, sir. अच्छे तरीके से? Yes, sir. भूलेगा? No, sir. मेटल्स आर हॉट. फर्स्ट थिंग इज दैट मेटल्स आर हॉट. मेटल्स सख्त होती हैं. सेकंड थिंग इज दैट मेटल्स आर लस्ट्रियस. ये देखिए, मेटल्स की चमक होती है. अगर हम इसको इधर से काटते हैं या किसी भी आयरन पीस को हम काटते हैं सेंटर में, देखेंगे आपको चमक. यस सर. दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स आर मैलेबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. अब वो हल्के जाते हैं, मोटा सा लोहा लेके तो वो उसको कूट के उसकी आकार बना लेता है, शक्ल बना लेता है. तो अगर ये मैलेबल की मेटल्स में नहीं हो तो वो आकार और शक्ल उनको नहीं आ सकती है, ठीक है? Yes, sir. The third property of metal is that metals are malleable. ठीक है? Yes, sir. हम देखते हैं कि जितनी भी वायर्स होती हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो तमाम वायर्स जो होती हैं वो मेटल्स की होती हैं, ठीक है? Yes, sir. तो कॉपर की हो गई, एल्युमिनियम, सो ऐसो है ना? Yes, sir. तो the property of metal by which metals can be drawn into wires, ठीक है? कि जो हम मेटल्स की तारे बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है? Yes, sir. क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. और फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स आर डक्टाइल. और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हमने करके देखा है ना. Yes, sir. And the next and the last property is that metals are sonorous. When we struck metals with anything, they produce sound. तो इन दिस वे वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक बाय एनीथिंग. हम किसी भी चीज से उनको स्ट्रक करते हैं, दे प्रोड्यूस
साउंड। समझ आ गई? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। तो उसके प्रकार से अगर हम नॉन मेटल्स को लें तो नॉन मेटल्स आर डल, उनकी कोई उनमें चमक नहीं होती है, दे आर ब्रेकेबल, वो टूट जाती है, है ना? यस सर। तो इस तरह से आपने इस चीज को जो है लर्न करना है, ठीक है? यस सर। थैंक यू।